जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सी से न्यूज 24 चैनल, मैं हूं मित्रों आपके साथ वही दिनेश गर्ग जैन, आपका मित्र, आपका प्यारा, आपका दोस्त दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला मौजूद हूं। भारत की राजधानी दिल्ली का ये एरिया है और बुद्ध बिहार के क्षेत्र में फेस वन के अंदर, अगर यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ बड़ा सा चेहरा बना है और सुमित अग्रवाल जी, मतलब ये खूबसूरत सा चेहरा अगर आप देखोगे तो सुमित अग्रवाल जी हैं। और अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे लगाया करवा चौथ का, क्योंकि जो महिलाओं के अंदर एक क्रेज होता है मेहंदी लगवाने का करवा चौथ पे और सजने संवरने का, उसके अंदर विशेष महत्व रखता है, कहीं ना कहीं अपने हाथों में मेहंदी लगवाने का एक महिलाओं को क्रेज रहता है, वो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मतलब करवा चौथ के उपलक्ष्य में सभी माताओं एवं बहनों के लिए निःशुल्क, मतलब बिल्कुल निःशुल्क आप यहाँ पे मेहंदी लगवा सकते हो, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है। और मेहंदी कार्यक्रम यहाँ पर लगाया जा रहा है 12 अक्टूबर 2022, मतलब सुबह लगभग 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पर चलेगा। एड्रेस मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एड्रेस बना है वार्ड नंबर 24 लगता है, ये बुद्ध बिहार का फेस वन का दिल्ली नियर परशुराम मंदिर। और एक बार चल के मैं आपको कुछ यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर जो है मेहंदी लगवा रही है। आ जाओ मेरे साथ एक बार देखें यहाँ पे ध्यान से, अगर इस तरफ आप देखोगे तो ये जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठे हैं सब मेहंदी लगवाने के लिए प्रतीक्षा करेंगे, इनका नंबर कब आएगा और कब इनके हाथ सजेंगे। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मतलब इस हद तक भैया सोच सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए सोचा, उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं तो, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। अभी देखो यहाँ पे सबके सब यहाँ पे प्रतीक्षा में बैठे कि हमारा नंबर कब आएगा और मेहंदी कब लगेगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मेहंदी लगा रही है, मुस्कुरा भी रही है वो, मैंने बोला ना मेहंदी लगा रही तो मुस्कुराना शुरू कर दिया। और सही में महिलाओं के अंदर करवा चौथ पे ना एक विशेष रहता है कि अपने हाथों को मेहंदी से सजाना, और महिलाओं में क्रेज भी रहता है कि करवा चौथ के पर्व पर हम जितना ज्यादा सजे उतना अच्छा है, पति की लंबी उम्र के लिए भी रहता है। और देखो कितनी खूबसूरती से यहाँ पर डिजाइन बना रही है ये। कितना टाइम हो गया आपको मैडम मेहंदी लगाते लगाते? मेरे को 2 साल। 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मुस्कुरा रहे थे मेरी बात पे। चलो अब मैं एक बार अंदर भी लेके चलूंगा। देखो ये सुमित अग्रवाल जी हैं जिन्होंने ये सुविधा दी है मेहंदी कैंप लगाने के लिए यहाँ पर। और अगर इस तरफ देखोगे ये भी यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है, देखो यहाँ पे भी मेहंदी लगाई जा रही है, भाई साहब पहुंचे यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए। ये देखो क्या सुमित जी बताओ, क्या बताओगे, आज आपने ये कैंप शुरू करा है मेहंदी का, क्या सोच के शुरू करा है? ये तो मैंने पिछले सर्वे लगवाया था मैंने। अच्छा। और पिछले साल जो करीब 450-450 माता बहनों के अपनी मेहंदियाँ लगवाए थे यहाँ पर, बड़ा विख्यात, 450-450 जी, मतलब बड़ा विख्यात तरीके से हमने बनाया था। इस साल थोड़ा सा क्या था कि थोड़ा सा प्रचार वचार ज़्यादा कर नहीं पाया, ठीक है, कोशिश यही होती है कि मेरी माता बहनों के लिए जो इतना बेस्ट से बेस्ट कर सकूँ वो मैं करता हूँ। अच्छा, आज की जो मेहंदी कैंप हमने लगाया इसकी क्या क्या तैयारियाँ हैं या कितनी महिलाओं के लिए सुविधा रहेगी? अभी तक देखो सुबह से करीब करीब 60-65 माता बहनों की मेहंदी लग चुकी है और शाम तक उम्मीद है कि हम लोग करीब 200-250 और माता बहनों की मेहंदी लगा देंगे। ठीक है, आज ही रहेगा ये कैंप या कल भी है? ये आज ही आज रहेगा ये, आज। हाँ, तो एक ही दिन का था ये? एक ही दिन का था, इसलिए क्योंकि जो जो हमारी बहनें हैं छोटी जो मेहंदी लगाती हैं तो उनको मैंने कहा था कि कल के लिए, और देख लो तो उन्होंने बोला कि भैया हमें किसी को भी घर में अपना थोड़ा फैमिली फंक्शन है किसी का है, तो मैंने बोला फिर आज के लिए तो कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, इसमें कितनी लड़कियां आपके पास यहाँ पर हैं जो मेहंदी लगा रही हैं? इस टाइम जो टोटल जो है 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां हैं सब जी। एक तो ये हो गई, एक बाहर लगा रही हैं जी, टोटल 4 बाहर हैं। अच्छा, 4 बाहर लगा रही हैं, एक अंदर है जी। मतलब यहाँ पर 5 लड़कियां हैं जो मेहंदी लगा रही हैं, और अभी भी बाहर मैंने आपको दिखाया कि कितनी इंतजार में है महिलाएं माता बहनें जो है कि हमारे नंबर का आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अच्छा, सुबह कितने बजे से शुरू किया था आपने ये? सुबह हम लोगों ने 10 बजे स्टार्ट किया था हम लोगों ने और शाम को 7 बजे चलेगा ये। अच्छा, मेहंदी कहाँ तक लगा रहे हो, मतलब हाथ में कहाँ तक लगा रहे हो? अब जैसे ये ना मतलब कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, माताएं बहनें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा ना हम लोग जो हथेली है ना पाम तक इतना ही लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, पता नहीं ये जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे उस चीज़ का। सुमित जी, मेहंदी क्यों लगाई जाती है करवा चौथ पर? मतलब मैंने गलत नहीं पूछा, गलत नहीं पूछा, समझ रहे हो, आप मेहंदी की सुविधा दे रहे हो, अच्छा है, लेकिन मेहंदी करवा चौथ पे क्यों लगाते हैं? जितना देखो मुझे पता है कि शायद ना कि ये एक पर्व मनाया जाता है, जिस तरीके से दीपावली को बम पटाखे फोड़ के पर्व मनाते हैं तो उसी तरीके से सौगनों का एक ये पर्व होता है करवा चौथ पे, हाथ को मेहंदी लाली रचा के अपने स्वागत के लिए लंबी आयु कामना शायद इसी रख के ही माने। इसी मेरे को तो इतने अच्छे जवाब के भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा भाई साहब, आप क्या बताओगे कि आप यहाँ पर भाभी जी को लेके आए हैं मेहंदी के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं तो पहले सुमित अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। पहले हम पुरानी सब्जी मंडी घंटा कर रहे करते थे, मैं एक यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ है अभी,
और मैं इनसे आज ही इनसे मैं मिला हूँ अभी 15 मिनट पहले ही, तो इनसे बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है सुमित अग्रवाल जी का, जिन्होंने इन हमारी माता बहनों के लिए लेडीज़ों के लिए इतना अच्छा प्रबंध करा है। ऐसा प्रबंध मैंने आज तक कभी दिल्ली में किसी भी गवर्नमेंट देखा नेता के। भाई अच्छा तो लगेगा इस चीज़ में, लगभग 250-300 रुपये खर्च हो जाते हैं आदमी के, वो पैसे भी बच रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ, आज कब कहीं भी आप मार्केट में जाते हो 500-1000 रुपये से कम का हाथ नहीं लेते। अब देखो सुमित अग्रवाल जी ने आधे हाथ तक की मेहंदी लगवा रहे हैं, इससे बड़ी मैं कुछ बोल नहीं सकता इनके लिए। अच्छा, आप बताओ आपको क्या पता है इसके बारे में, क्यों मेहंदी लगाई जाती है हाथ? ये मेहंदी लगते थे सुहागन ओढ़ते, अपना सुहाग के लिए वो करते हैं, अच्छा लगता है हाथ पे रचे है जी। इससे ज़्यादा लेडीज का अपने आप को वो ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। इसका और भी कोई महत्व होगा, मैं महिलाओं से बात करूँगा। एक बार आप आओ जी इधर। नहीं नहीं आप बिल्कुल बताओगे, मेहंदी लगवाने आए हो? बताओ मेहंदी लगवाने, अच्छा ये बताओ मेहंदी लगवाने आए हो ना, तो ये बताओ मेहंदी क्यों लगाते हैं करवा चौथ पे महिलाएं, या कोई भी पर्व होता है महिलाओं का तो वो सबसे पहले मेहंदी से ही अपने आप को क्यों सजाती हैं? हाथ सुंदर लगते हैं, हाथ सुंदर लगते हैं और चूड़ियां पहनती हैं लेडीज तो अच्छा लगता है। ठीक है, मेहंदी लगवाने आए हो आप भी? हाँ जी। बड़ा क्रेज रहता है सही मायने में महिलाओं को कि हम अपने हाथ पे जो है मेहंदी लगवाएंगे। एक बार यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, देखो ये मुंह छुपाने लग गए हैं, वो मुंह छुपाने से बात बननी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। अच्छा ज्योति जी, तो आपके भैया हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब मैं बता दूं, ये ज्योति जी हैं और सुमित जी अग्रवाल जी जो कि यहाँ पे कैंप लगवा रहे हैं उनके सिस्टर हैं। अच्छा आप बताओ मेहंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेहंदी जो लगाई जाती है सुहागन का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मेहंदी सुहाग में आती है इसलिए। अच्छा, इसके अंदर नाम वाम भी छुपा देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। फिर उसको रात को ढूंढवाओगे कि नाम ढूंढो, ये सबसे बड़ा गंदा टास्क हो गया नाम ढूंढने वाला। अच्छा आप अपना नाम बताओ? पूजा। अच्छा पूजा जी, कितने टाइम से मेहंदी लगा रहे हो? मैं को अभी 1 ईयर हो गया। 1 साल से लगातार लगा रहे मेहंदी, कहाँ तक मतलब पूरा हाथ लगाओगे, कहाँ तक लगाओगे? पूरा हाथ लगाओगे। अच्छा इसके बाजार में अगर बात करें तो कितने पैसे लग जाते हैं जो आप लगाओगे यहाँ पे ईमानदारी से? 500 एक हाथ के, एक साइड फुल है ना, फुल ब्राइड जाता है मतलब एक हाथ के 500 रुपए तो दोनों हाथों में लगाओगे? हाँ। तो टोटल वैसे बाजार में करते तो 1000 रुपए का काम चाहिए? हाँ। और यहाँ पे तो बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताओ इसका महत्व क्या रहता है, मेहंदी क्यों लगाते हैं और क्यों? क्योंकि मेहंदी सबसे शुभ मानी जाती है, सुहागन की सबसे बड़ी निशानी है मेहंदी, चूड़ी और ये सारी चीजें। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आज करवा चौथ पर? हैप्पी करवा चौथ। तो सच बात है, हैप्पी करवा चौथ बोल दो और बात खत्म। मैं भी चाहूंगा जितनी भी माताएं बहनें अगर बुद्ध बिहार के आसपास की हैं वो इस सेवा का लाभ यहां पर ले सकती हैं। यहां पर बिल्कुल निशुल्क जो है इस तरह का कार्यक्रम रखा है, मेहंदी लगवाने का जो कार्यक्रम है करवा चौथ पर। और मैं फिर एक बच्ची और बता दूं, वो सिर्फ आज भर का ये कार्यक्रम है। अगर आप वीडियो कल देख रहे हो तो ये कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ आज का है। और सुबह 10 बजे यहां पर शुरू हो गया तो लगभग 7 बजे तक यहां पर ये चलेगा और बिल्कुल निःशुल्क मेहंदी यहां पर लगाई जा रही है। चाहूंगा माता बहनों से ज्यादा यहां पर आकर पहुंच कर लाभ लें और इनसे भी सवाल इस तरह के करते रहना यहां पर पहुंच के कि मेहंदी क्यों लगवा रहे हो। ठीक है जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय हिंद जय भारत।